हाय फ्रेंड्स, सो आप सबका स्वागत है इंडियन याकर में एक बार फिर। और मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं इंडियन याकर। तो दोस्तों ये देखिए, एस्के प्लेस का एक नया वापस से एक प्रोडक्ट है जो कि एक्स हर्बल टी। ओके, इसका नेट क्वांटिटी है 100 ग्राम। और यदि हम देखें तो ये एक बहुत ही अच्छी एक टी है, हर्बल टी। इसमें इलाइट नथिंग एल्स इसका कोट है और इसका पंचलाइन है। और ये देखिए, एक्स हर्बल टी, इसका जो क्वांटिटी मैंने बताया 100 ग्राम, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 444 444। ओके, ये एक्स प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। और यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो देखिए, इसमें आप ये सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें इसमें है 100 कंटेंट्स में टी लीफ है, बनसपा, मुलेठी, सौंफ, तुलसी, अश्वगंधा, मीठी नीम, बालमूल, ब्रह्मी, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची बड़ी वाली, सौंठ और गंधवाला और काली मिर्च। तो ये सब हैं। और आप इसे देखिए, लिखा है कि 2 से 5 ग्राम करीब एक कप में हॉट वाटर में से लेना है। और इसे 2-3 बार ले सकते हैं अपने हिसाब से। मिल्क और शुगर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ गर्म पानी से लेना है। और कंज्यूम विद इन 1 मंथ फ्रॉम ओपन ऑफ द सील। यदि एक बार ये खुल जाता है तो उसे 1 मंथ में कंज्यूम करना है और स्टोर करना है इसे कूल एंड ड्राई प्लेस में। मतलब आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और ड्राई प्लेस पर भी रख सकते हैं। इसे डायरेक्ट कहीं गीली स्थान पर नहीं रखना है। ड्यू टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, साइट वाइब्रेशन इन कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कलर, और सनलाइट से दूर रखना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसे खोलेंगे भी और आपको बताएंगे कि ये कैसी है, और आपको बनाते हुए भी बताएंगे कि किस तरह से ये बनती है। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब हम इसमें पहले हम इस गैस को ऑन करेंगे, ठीक है। और हम इसमें अप्रोक्स 1 कप पानी इसमें डालेंगे, छोटा कप। और ये देखिए, इसमें 2 से 5 ग्राम लगभग बिल्कुल हल्की सी इसमें चाय पत्ती डालनी है, मतलब ये जो है हर्बल टी, बस ये इतना सा ही आपको उसमें ऐड करना है। बस दैट्स इट। ओके, तो 1 कप में आपको बस थोड़ा सा ही इसमें 2 से 5 ग्राम का चाय पत्ती इसमें डालनी है। यदि आप बिना दूध के और शुगर के लेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है हर्बल टी, पर इसमें आप थोड़ी सी हल्की सा गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर शुगर ऐड कर सकते हैं, हल्का सा मिल्क भी यदि करना चाहें तो। मुश्किल से इसमें 2 मिनट आपको बॉयल करना है, जब तक इसमें थोड़ा कलर आ जाता है, और इसको आपको कंटिन्यू हिलाते रहना है। तो ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और आपकी ये देखिए इस तरह का इसमें कलर आ जाएगा। तो जब तक इसमें एक हल्का बॉय एक उबाल आ जाता है लाइक दिस, 1 से 2 मिनट में आ जाता है आसानी से, और इसे बस बंद करना है, ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना। और जब ये इस तरह का कलर हो जाता है तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हमें छानना है, ठीक है दोस्तों। जब ये बॉयल होने के 1 मिनट बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसे आपको कप में छान लेना है। ये देखिए इस तरह का कलर होगा। तो ये जो टी आप पीते हैं तो दोस्तों आपको शुगर में, डायबिटिक में काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, और आपके दूसरे भी जो प्रॉब्लम्स होती है पेट की वो सब अच्छी हो जाती है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो प्लीज़ इसे 2 या 3 बार लीजिए दिन भर में, और इस हर्बल टी को लाइक इन्जॉय कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा एक से हर्बल टी। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel if you not subscribe. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.